चाइनीज प्लांट है। हेलो एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और बंदी छोटी बस की भी बहुत ज्यादा मुबारक है। यानी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं उठी वैसे जल्दी थी बट काम निपटाते निपटाते लेट हो गया। अभी 7:20 हो गया और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं, इसलिए मैं 20 मिनट्स में योगा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। सो मिलते हैं, पहले योगा कर लेते हैं। स्टार्ट होने वाले हैं। मंजी साहिब से लाइव आता है भाई पिंदरपाल जी का हुक्मनामा साहिब, तो पहले मैं पाठ सुन लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। सो कीर्तन की अभी समाप्ति हुई है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मम्मी अभी कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मम्मी हैप्पी दिवाली विश कर दो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी बंदी छोटी बस भी। सो पानी भी रख दिया है, धूप महाराजा जी आए हुए हैं और पीछे कितना सही लग रहा है। तो आज मेरे नाश्ते में है एप्पल, बादाम एंड ये है सोगी जिसे हम किशमिश भी कहते हैं, हम इसे दाखा और सोगी कहते हैं इन पंजाबी। सो और साथ में टीवी चल रहा है, मूवी आ रही है, सबको खाते हो देखने है। अभी ये सेकंड मूवी स्टार्ट हुई है और मेरे साथ मेरा बुड्ढा बैठा हुआ है। एक्चुअली मेरा नहीं है, जस्सू का है। पापा कह रहे कि ले जाइए अगर ले जाना है, तो जस्सू का कॉल आया नहीं लेके जाना, तो ये क्यूटी अभी मेरे साथ ही है। अभी भी भूख लग रही है, हालांकि मैंने फ्रूट्स खा लेते पर फिर भी भूख लग रही है, इसलिए मम्मी ने बनाया है साग और मक्की की रोटी, तो मैं वो खाने जा रही हूँ और साथ साथ मूवी देखूंगी। अरे जी मेरा साग और मक्की की रोटी मैंने रेडी ली है। मैं आज
आज वज्रासन में बैठ के खा रही हूँ। आई एम डन। बहुत टेस्टी था, बस थोड़ी सी मिर्च तेज मुझे लगती है, हमेशा मिर्च तेज। सो अभी 1:40 हो गया और मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ गुरुद्वारा साहिब। बहुत अच्छी धूप है यार, थोड़ा ठंडा भी है, सही है। सो मिलते हैं आपको गुरुद्वारा साहिब। कितना प्यारा है, पता नहीं कहीं ना आएगा जी, साइड से कटी हुई है। सॉरी, मैं नर्सरी आई हूँ एक प्लांट लेने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा दिवाली में एक प्लांट लूंगी, मैं ग्रीन दिवाली भी बनानी है। तो अभी इतने सारे प्लांट्स हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। मुझे इंडोर प्लांट चाहिए जो मैं आराम से लेके भी जा सकूं। सारे ब्यूटीफुल हैं यार। ये वाले रखे जाने वाले? हाँ जी जी, प्लांट कहते हैं। ओहो, कैक्टस, उन्हें पानी की लोड़ भी नहीं पैंदी। ये वाला ना, हाँ ये भी अच्छा है। सो मैंने ये प्लांट लिया है, पता नहीं इसका नाम क्या। सो इस पौधे का नाम है एक्लोनीमा। ये 120 का लगाया है, अभी पोट देख रहे हैं, पता नहीं मैं लेके जाऊंगी या नहीं, व्हाइट कलर ले लूं या ग्रीन कलर ले लूं, आप ही बताओ स्वीटी। मैंने पोट भी ले लिया। अच्छा, 2-3 दिन में? ठीक है। कितना हुआ टोटल? 160 का लाने होंगे, 150 भी नहीं देंगे हम। अभी अंदर गए अपना फोन ठीक करवाने के लिए और ये मोटू खड़ा हो। माचू माचू, पूछ देखो टिड्डी मेडी की हुई है इसने। वेलकम टू आवर हाउस एक्लो, हैप्पी दिवस। सो मैंने इसको पानी दे दिया है और इसका नाम एक्लोनीमा नहीं है, इसका नाम एग्लोनीमा। मैं एक्लो कर रही थी। और ये चाइनीज प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती और ये पता है फॉर्चून के लिए होता है, काफी अच्छा रहता है घर की प्रसिद्धि के लिए। अभी मैं मम्मी से पूछती हूँ कि इसका नाम क्या है, कह रहे एलोवेरा। नाम ही नहीं याद आ रहा था मम्मी को। अम्मी की ना है प्लांट का एलोवेरा, की ना जी क्या है एलोवेरा कहने एग्लोनीमा। हाँ, ये चाइनीज प्लांट है। चाइनीज? हाँ, सदा बहार वास्ते है। आर यू एक्साइटेड? क्या है रिकॉर्ड है? सो गले बोलो, आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड। टेंटन टेंटन ने 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 न्यू मेंबर। पता है इसका नाम क्या है? एग्लोनीमा। ये सदा बहार रहता है। एग्लो बोलो, एग्लोनीमा। ये चाइनीज प्लांट है, इंडोर प्लांट है और ये सदाबहार के लिए है और इन्हों 2-3 दिन बाद ही पानी देना होंदा है और ये प्रसिद्धि लई वधिया होंदा है, मतलब फॉर्चून वास्ते होंदा है। अल्लाह मम्मी ने कल आपको बाहर का दिखाती हूँ, मम्मी मेरा सूट सीने वाले हैं। तो वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, शाम को पार्टी है वहाँ पर, मैं पता नहीं जाऊंगी या नहीं क्योंकि स्नैक्स ही और मैंने खाना खा लिया है इधर से। मैक्सी फिलहाल अंदर चला गया है, अभी यहाँ पर इतनी जोर से पटाखा बजाना कि वो अंदर ही भाग गया और बाकी सारे ब्लैकी ब्लूकी घूम रहे थे यहाँ पर, ब्लैकी ब्लूकी नहीं सॉरी कालू वगैरह सब है और अंधेरा होने वाला है, हो ही गया यार, और सारी जगह लाइटिंग लग गई है। हाँ पटाखे भी शुरू हो गया भाई, एक तो मैं चुप भाई भाई बोलता हूँ। बच गई, मैं भाई भाई बोलती हूँ, भाई भाई के चक्कर में गिर जाऊंगा। मिलते हैं थोड़ी देर। यहाँ मेरा सिर दुख रहा है, फिर भी मैं रेडी होगी फंक्शन के लिए और मैं बहुत देखती हूँ कि कोई आया भी है कि नहीं। मम्मी ऑलरेडी खड़े हुए हैं, अभी कोई भी नहीं आया, कुर्सियाँ लगा दी हैं, चीकू डरे हुए हैं अंदर पड़े हुए हैं। तो शुरू कल तो शुरू, बस कर भाई बस हो जा, बस 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 शांत शांत शांत, शुक्र है।
भाई इतने पटाखे बताए ना यार, और मैं भाई को कर रही हूँ, मेरा सिर का बैंड बज रहा है और अब तक कौन नहीं आया है, आपको पता नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं क्योंकि बहुत पटाखे बज रहे हैं। अभी मैं मम्मी कह रही थी रूई ना यार। हाँ दे दो मेनू, मैं नहीं हूँ, मैं खुद ही ले लेती रूई। थैंक गॉड तुम प्लांट हो यार, तुम्हें इतना सुनाई दे रहा है, मुझे तो बहुत इरिटेशन फील हो रही है, बट मैंने अब रूई लगा दी है, थोड़ा कम तो है ये। हाय हाय थले जाके तो मेरा और बुरा हाल होना भाई। भाई भाई हटाओ यार, तो अब हम जा रहे हैं मम्मी, ला रहे रूई का तिखा तिखा बाहर निकल रहा, ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया मैं, कितने अंदर ही पढ़ जाए ना, मैं तो दो अंदर कुर्सी मिलता। चलो चले यार, पटाखे ज्यादा जोर से बज रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है इनका, पर देखो तो फंक्शन तो यार मुझे तो लग रहा है रूई का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि बहुत ज्यादा ही पटाखे बज रहे हैं और मम्मी लाइन में लग गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ खाऊं या ना खाऊं, देखते भी क्या जाते हैं ना। यार वेगन बनना इजी नहीं है, हर जगह आपको दही मिलेगा, हर जगह आपको दूध मिलेगा। थैंक यू सुविधा। तुम ज्यादा पाती हो, सब ही कर दो मिर्च वाली। हाँ बस मम्मी पापा पी पू के मुझे फड़ा देते हैं कि मैं रख के आऊँ। रखा ना? अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी मैं रखी। सेकंड टाइम कॉफी कितनी बार पियोगे माते है? पूछो गोलगप्पे अंदर पीन लग के कॉफी है, गोलगप्पे खाने मम्मी कॉफी के बाद है, कॉफी के बाद। यार उधर मैं ये देखे सारी आंटियां सारी कुड़ियां गोलगप्पे की किन्नी फैन है। आंटी जी तुझी भी एक एक्सेप्शन भी केस आ गया, आंटी जी नहीं खाते। अच्छा नहीं लगता ये जो लाइन लगी है ना गोलगप्पे के लिए लगी है, कॉफी वाले भैया ना बार बार मेरे पास आ रहे हैं और बार बार मैं इन्हें मना कर रही हूँ कि मैं नहीं पीती कॉफी, दो तीन बार आ गए। आंटी जी आपने कुछ भी नहीं खाया? बस वही खाया, पापड़ी खाई आपने? गोलगप्पा खाया जी। अच्छा वो भी खाया। अरे क्या बात है, नाम भूल गए? पापड़ी पापड़ी और बल्ले। अच्छा बल्ले भी पी लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी को टास्क दिया था कि मेरे लिए भी पापड़ी ले आना, बट मुझे ही आना पड़ा। हेलो माही, हैप्पी दिवाली। शुक्रिया मम्मी, चम्मच दे दो। थैंक यू। चलो आज तो सब कुछ ही वो खराब हो गया मेरा जो मैंने चैलेंज लिया था। तुझे ना खाने सी गोलगप्पे तो हड्डे बाद तू खाने हैं, तुझे खा ली तो फिजती है मम्मी। दिवाली में सब कुछ माँ तो यार पहले मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है मम्मी गोलगप्पे खाने के। हाय किधर थे सी? बहुत बढ़िया मम्मी दिखा रहा हमें, पता है तो दो बार कॉफी पी ली, एक बार दो बार चाट खा ली, हुन वो खा लिया, हुन छोले भटूरे आ जाने वो खा लेने, तुसी साढ़े नौ हो गए हैं। हाय क्यूटू, हाय बेबी। ओ यार ये जितनी बार रॉकेट चला रहे हैं ना गलत ही जा रहे हैं, काजू मंगे ले जा रहे हैं यार, हिम्मत करके मैं बाहर चलेगी और पटाखा बजा जोर से और इधर आंटी जी भी वहीं पर खड़े हुए थे जहाँ पर मैं खड़ी थी, उनके लग गया पटाखा, मैं बता गया बहुत जोर से पटाखे बज रहे थे, डर रही फिर भी बना रही हूँ जोखिम कर रख दिया मैं। ग्यारह बजने वाले यार मैं सैलेड खा रही हूँ, भूख तो है नहीं बट फिर भी खा रही हूँ, पता नहीं क्यों खा रही हूँ। रोटी खा के हटे हैं, फिर इन्होंने कॉफी पी ली है, ठंड लग दी है, ग्यारह बज गए हैं, सोना केड़े वेले है मेरा मरीज। क्या मम्मी बस करो यार, कोई बिग बॉस नहीं देखना।
और आज मेरा जो सात्विक लाइफस्टाइल था वो खराब हो गया है। दिवाली तो एक एक्सेप्शनल केस लेके चल रही हूँ मैं, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ यार। 10 बजे मुझे सो जाना चाहिए। आज मैं बिल्कुल तामसिक वाले काम करूँगी। वैसे दिवाली बिना पटाखों की कितनी अच्छी होगी ना। आई थिंक ऐसी ऐसी दिवाली होनी चाहिए जिसको किसी को हर्ट ना हो, हार्म ना हो, चाहे वो एनिमल हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो। आई होप ऐसी दिवाली जल्दी ही आएगी मेरी लाइफ में, मतलब ग्रीन दिवाली। अब जा रहे हैं घर वापस। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मम्मी ने तो कॉफी पी के अपने आप को गर्म कर लिया है। हम रजाई में लुक के अपने आप को गर्म करेंगे। और पटाखे ऐसे ही बज रहे हैं। मम्मी को छींके आने स्टार्ट होने वाली है, और उसकी भी डरा होगा। वैसे मैक्स तो बहुत ज्यादा डरा होगा। इधर है कार, और कार किधर गया? कार किधर है? हैप्पी दिवाली। तो मैं घर ही भूल गई अपना। ग्रीन दिवाली बनाओ यार। ये पटाखे वाली दिवाली जो है, जो दिवाली दूसरों को हार्म करती है वो क्यों बनानी है ना। एनिमल्स के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा औखा हो जाता है यार। और आज तो काफी जने जो है पटाखों से बचे हैं, जलने से बचे हैं। मैं भी इवन, और एक आंटी जी के लग भी गया था यार। अगर आपने ये वाले पटाखे चलाने भी है, मतलब ये वाली दिवाली मनानी है ना, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा सेफली खेलो, दिवाली मनाओ। और पापा आए नहीं है, हम पहले आ गए हैं। अभी वहाँ पे गाने शाने चल रहे हैं। चलो जी, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई नो पटाखे बज रहे हैं, डम डम डम, उसको इग्नोर मारना। बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने जो कानों में टोई लगाई हुई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे ये इतना धुआं धुआं क्यों है?